फिलहाल यहाँ पे अभी गूगल खोल रखा है तो यहाँ पे पहले लिंक डालो उसे जैसे क्लिक करोगे तो आपको एच की पूरी साइट खुल जाएगी जहाँ से रिनी होगा एच पी अप्रेड प्रोग्राम ये भी तो लिखा एच पी अपग्रेड प्रोग्राम ये हमारा लैपटॉप है तो यहाँ पे अभी वेरीफाई करने के लिए बोला था आपका मोबाइल नंबर तो यहाँ पे भी अभी कोड भेजा है तो कोड लेंगे सबसे पहले व्हाट्सएप पे थोड़ने आया होगा हम मैसेजेस में आया होगा फिर यहाँ पे कोड डालेंगे उसके बाद फिर आगे का देखते हैं प्रोसेस क्या रहता है कस्टमर पर्सनल डिटेल यहाँ पे एड्रेस वगैरह है यहाँ पे स्ट्रीट नेम मतलब वही है सारा एड्रेस वगैरह फिर इसको भरने के बाद दिखाते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी मतलब नाम वगैरह है और उसके बाद नीचे आता है लैपटॉप की परचेज डिटेल्स वगैरह जूम करके दिखा और उसके बाद हो जाऊंगा ठीक ये और ये नंबर सेम है ये लैपटॉप के सीरियल नंबर से ये आपको लैपटॉप के बार के अंदर मिल जाएंगी ये जिससे हमने खरीदा है ये उसकी डिटेल है आप फिलअप करनी है ये प्रोडक्ट कोड है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ला, जो लैपटॉप का बॉक्स है उसके ऊपर लिखी हुई है उसके बाद आपने यहाँ पे ये अपने आप हाँ चेंज हो जाएगा दैट इसकी जो टू ईयर्स की एक्सपेंडेंट वारंटी है वो फोर थ्री नाइन नाइन की है ओके और इसकी जो डेट ऑफ परचेज आपने यहाँ फिलअप करनी है ये इन्वाइस नंबर आपने यहाँ आप डालना है अमाउंट आपने फ़िलअप करना है बाकी सारा ऑप्शनल है आप भरना चाहो तो भर सकते हो तो कोई बात नहीं है बाकी सर आपने फिलअप कर दिया ओके यहाँ दो हमने चीज़ें अपलोड करनी है एक तो जो परचेज इन जो हमारे बिल मिला होगा उसकी कॉपी और ये बार कोड सीरियल नंबर स्टिकर जो कि बॉक्स है ये तो सारी चीज़ें ये, जो ये ये, ये, याला, ये याला जो ये ये वाला वाला पोर्शन है, और ये सारी यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी वरना बिल होगा आपके पास बिल में भी मिल जाएगा ठीक है बस कोई यहाँ पे सबमिट करो और हो जाएगा शायद पेमेंट का ऑप्शन नहीं पूछेगा अभी अभी नहीं ओके यहाँ पे दो एम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फाइल का साइज़ तो दोबारा करेंगे शायद अभी तो यार यहाँ पे वारंटी हमने ले लिया है तो ये सारा कुछ नहीं अभी वारंटी ले है वारंटी के लिए अप्लाई कर, तो 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 मतलब कर दिया मतलब अप्लाई कर दिया आप बस वो मैसेज करेंगे और पेमेंट के लिए ऑप्शन वगैरह हम देंगे तो ये सारा कुछ हो चुका है आप मतलब पॉज करके देख सकते हो पढ़ सकते हो तो ये तो सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कोड वग़ैरह था सेवनटी आवर्स के अंदर आ जाएगी शायद अपडेट लोग तो बस यही है तो फाइनली हो चुका है आवर्स आवर्स है उसके अंदर आ गया था परसों शूट किया था हमने और मेरा लुक बहुत खतरनाक लग रहा है आज तो अभी बज रहे हैं फिलहाल वन थर्टी नाइन और सारे कुछ हो चुका है सारे चीज उनकी तरफ से आ चुके हैं तो अब जल्दी से करते हैं पूरी मतलब क्या लेना था हमें वारंटी ना वारंटी हाँ वारंटी हमारी हो जाएगी अब एक्सटेंड तो आपको दिखाते कैसे होगी

ठीक है इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ठीक है जिससे आपको ईजी होगा ठीक है लिंक पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये कम्पलीट पीस ऑफ माइंड फॉर थ्री ईयर्स मतलब तीन साल की एक्सटेंडेड वारंटी है इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी ठीक है थ्री ईर्स वारंटी है ये जो मिड में है दैट इज थ्री ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन अगर तीन साल के अंदर कभी भी आपका लैपटॉप गिर जाए या ब्रेक हो जाए या टूट जाए कुछ भी हो जाए तो वो भी इस वारंटी के अंदर कवर बना है ओके तो जैसे आपका अप्लाई कर दोगे आपके पास मैसेज आएगा जो कि कुछ ऐसा है ठीक है और एक मेल आएगी आपके पास तो इस तरीके से एक मेल आएगी आपके पास एचपी की तरफ से जिसमें आपका एक ऑर्डर आईडी जनरेट होगा ये आपकी इंफॉर्मेशन सारी सारी इसमें होगी ठीक है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगा आपका ऑर्डर नंबर जनरेट होगा ठीक है कैसे फॉलो है कैसे पेमेंट करना है इस मेल में भी आपको मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको यहां देख रहे हैं तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं दिखा हूँ चेक योर स्टेटस लिंक ऐप ये है चेक योर स्टेटस लिंक ऐप ओके क्लिक ऑन दिस ठीक है जैसे आप स्कॉल यहां पे, पे आपके पास दो ऑप्शन आएगी ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट सीरियल नंबर हमारी प्रोडक्ट हमारी जो ऑर्डर आईडी है दैट इज दिस ऑर्डर आईडी डी पीपीवाई वाई दिस वन यो टॉप पे आपके पास आई आएगी ठीक है इस ऑर्डर आईडी को हम लोग यहां पे डालेंगे ग्रेड एक्स ओके सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद सबमिट करो एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि सेम मोबाइल पे आएगा आ गया उस ओटीपी को यहां पे फिलअप करो दैट इज सबमिट ओके okay, इसके बाद स्टेटस आ जाएगा आपका कस्टमर नेम पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ही पेमेंट नहीं है पेमेंट अमाउंट है फोर थ्री नाइन नाइन इज फोर्टी फोर हंड्रेड ठीक है बाकी सब यहाँ पे डिटेल्स हैं सारी की सारी ठीक है दैट इज एच पी एडिशनल टू ईयर्स वारंटी एक साल की है तीन साल की हमें मिलेगी ये थ्री ईयर्स एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ये फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाएगा ये थ्री ईयर्स लिखा हुआ इसके अंदर करंट ईयर प्लस आगे के दो साल कैफी सिक्योरिटी और ये अलग है एचपी स्मार्ट फोन ऑफर ठीक है इसको करने के बाद आपने पे, पे, पे जाके आप इसकी पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद आप इसके पास वो आ जाएगा तो भी पापा कर रहे हैं यहाँ पे पे और काफी ज्ञान बांटने वाली वीडियो बन रही है अभी क्योंकि तो लैपटॉप का पूरा है वो है वैला सिस्टम तो आई होप्स आप सबके लिए जो जिन जिनके पास है एचपी का लैपटॉप तो है उनको अपनी रजिस्टर करना है नहीं मतलब उनके सबके लिए होगा ना जो एचपी के वही तो मॉडल्स के लिए नहीं है हाँ तो जो आप जिन जिनकी भी वारंटी एक्सटेंड हो सकती है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी तो

तो एक मेल का वेट करेंगे इनका एक मेल आएगा जिसके अंदर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स हमारे पास मिल जाएगी okay. तो फिलहाल हमारे पास ई मेल भी आ चुका है एच वालों का कस्टमर सर्विस से कि आपका सारा कुछ हो चुका है वारंटी वगैरह पर इसमें ये एक्टिव में ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ही आ रहा है, 2024 या, 25 है तो पता नहीं वो कब तक का रिफ्रेश होगा पर हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई है पेमेंट हमने कर दी कंफर्म उसका भी उनके साइड से वगैरह सब कुछ आ चुका है तो देखते हैं अभी कब तक वो डेट चेंज होगी वैसे तो और मतलब सब कुछ हो चुका है हमारे सब कुछ हो चुका है बस उनको पे अपडेट करना है यार। तो फिलहाल हमने 20 तारीख को अप्लाई करा था स्टार्टिंग में और आज फर्स्ट दिसंबर है तो हमने ट्वेंटी नवंबर को किया था और आज फर्स्ट दिसंबर है ग्यारह दिन हो चुके हैं ग्यारह दिन चल रहा है और अब जाके मतलब हमें एक्नोलॉजी वगैरह बीच में मिल चुकी थी पर अब जो एक फाइनल इमेट आया वो आपको दिखाएंगे तो हमें यहाँ पे एक और मेल आया जो पापा समझाएंगे इसमें क्या क्या है ये हम लोगों ने 20 तारीख को अप्लाई किया था अपनी एक्सटेंडेड वारंटी के लिए और ये हमें थर्टीन नवंबर को एक मेल कंफर्मेशन मिल गया है कि हमारी वारंटी एक्सेप्ट हो गई है और उसकी कौन कौन सी डेट में उसका एक्टिवेशन हो जाएगा दो, दो साल की ऑन साइट वारंटी जो नेक्स्ट है वो हमारी फिफ्टी ऑफ दिसंबर के अराउंड एक्टिवेट होगी थ्री थ्री ईयर्स ए डी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ठीक है ये तो भी फिफ्टींथ अगस्त तो hmm. सब कुछ फिफ्टी अगस्त के आसपास सारा कुछ एक्टिवेट होगा लेकिन जैसे जब हमने लैपटॉप लिया था तो हमारा मैक कैफे एक्सपायर्ड हो गया था और इस पैकेज के अंदर जो मैक कैफे इंटरनेट सिक्योरिटी है वो भी थ्री ईयर्स के लिए था तो उसका कोड हमारे पास आ गया और जिसको हमने एक्टिवेट कर लिया कोड है पर आपको देखा नहीं अब डर का रखा होगा मैंने और ये उसका प्रोसेस है उसको अप्लाई करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है ठीक है उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और ये आपका ई कोड है जो कि ऊपर आएगा वो आपको डालना है सबमिट करना है अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और वहां से फिर आपको मैं कैफी डालू इस लिंक पे क्लिक करके जो ऊपर कोड आ रखा है वो डालना है हाँ जो आपका एम आई एस कोड आ रखा है वो डालना है और जो जिसको भी ई e कोड लिखा हुआ है ओके उसके बाद वो पूरा प्रोसेस आप जब जिस पे करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है ये आपका कोड है ऊपर वाला ठीक है जैसा मेल कन्फर्मेशन हमारे पास आ गया सारा कुछ हमारे पास आ गया है प्रोसेस हमने सब कुछ आपको बता दिया है, है क्या करना है कैसे करना है क्या प्रोसेस है पूरा स्टार्टिंग से ठीक है ये पहले कैसे अप्लाई करना है कैसे पेमेंट करनी है और उसके आगे क्या क्या प्रोसेस होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर राउंड अबाउट जो कंपनी क्लेम करते ट्वेंटी फाइव डेज के राउंड का टाइम लगता है तो इतने टाइम में पूरा सारा काम हो जाता है एक्टिवेशन के अंदर तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है हमने पहला वीडियो तभी बना दिया था लेकिन हमारे पास इसे कंफर्मेशन नहीं आया था तो हम लोगों ने वेट किया कि पहले हमारे पास एक कन्फर्मेशन हो जाए उसके बाद आपको उस कर अपलोड करें तो बाकी जो लैपटॉप के अंदर जहां लिखा आता है ओके वो, okay? वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ ये जो अच्छी वारंटी अभी अपडेट नहीं है हमारे पास ये अभी टूट यही आ रहा है 22. 22. 22. और इस अकॉर्डिंग ये जो हमारा कब आएगा 15 दिसंबर 2021 को ये एक्टिवेट हो जाएगी ये सारी ये सारी चीजें और ये यहाँ पर भी शो करना शुरू हो जाएगा तो ये 2024 करेगा 25 ये 2024 करेगा 24 ठीक है बाकी वारंटी साइट कौन सी साइट पे विजिट करना है वो साइट हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ठीक है उसका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा बाकी सारा प्रोसेस मैंने यहां से आपको समझा दिया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है कौन सी चीज कहाँ डालनी है ठीक है इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी जो, जो भी आपकी क्वारीज होगी उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा नीचे ठीक है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर करने के लिए ठीक है देन बाय तो फाइनली सब तो कुछ हो चुका है बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस था पर आए होप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी एचपी के जैसे आप वारंटी वगैरह अपनी एक्सटेंड करा सकते हो एचपी वाली इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो वो भी जाके देखना आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी और मिलता है आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय और उस वीडियो के पेपर हमारे पास राउंड अबाउट सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं अभी हमारे पास राउंड अबाउट थ्री पॉइंट टू पहुंच गया है आज हमारे पास के व्यूज उसके अंदर तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट अगर आपको वो वो वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसका लिंक भी हम लोग नीचे डाल देंगे अगर कोई तो इस वीडियो को देख रहे हैं उसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है और उसके अंदर भी हम लोग इस वाले वीडियो का लिंक नीचे पेश कर देंगे तो जब से आपको लैपटॉप लिया है तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी कैसे करनी है ये भी आपको क्लियर हो जाए ठीक है ओके okay, वैसे बहुत अच्छी चीज है अगर आपने लैपटॉप लिया है इतना कॉस्टली लैपटॉप लिया है और अगर एक बार भी गिर गया और कुछ भी टूट गया तो वो बहुत कॉस्टली है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो भी वारंटी एक्सेंट वारंटी और स्पेशली ए जरूर लेना ठीक है बाय वो तो हार दो कैमरे पे हार चाल <laughs> दूसरा, दूसरा, कैमरा